चलिए निम सेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, ऋतु बत्रा विश्वास से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 6 है। और आपको ऑल इंडिया रैंक 6 के लिए सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और सबसे खास बात बता दूं कि ऋतु बत्रा जो है वो मेरे 3 साल का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर से ही ज्वाइन किया था। और आप अपनी जो सक्सेस जर्नी है मैं चाहूंगा बहुत डिटेल में बताओ। आप कोलकाता से बिलोंग करते हो, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो इंटायर जर्नी क्या रहा वो मैं चाहूंगा कि आप डिटेल में बताएं। हेलो एवरीवन, आई एम ऋतुब्रत विश्वास, रिसाइडिंग इन कोलकाता, एंड दिस ईयर इन IMSET 2022 आई सिक्योर्ड अ रैंक ऑफ 6। सो लाइक आफ्टर क्लास 12 मुझे कुछ भी नहीं पता था कि IMSET होता है। और उसके पहले की अगर बात करें तो मैं JEE एग्जाम दिया था और वो भी एकदम अनप्रिपेयर्ड था, तो फिर वो बैठ गया था क्योंकि एवरीवन गिव्स इट ना। सो ऑब्वियसली आई कुडंट गेट अ गुड रैंक, दैट वाज बिकॉज ऑफ माय ओन फॉल्ट। And then I decided what can be done, because I was previously interested in coding and I thought that what can be done so that I can get into it, right? So main YouTube mein search kar raha tha ki coding mein how to start a career even though you are not doing your BTech. So maine fir search kiya, search karte karte ek channel ka pata chala, Impetus Gurukul, and there I heard the interview of Nupur Shukla Didi. So she cracked IMSET and secured rank 1, and she did her MCA from IIT Roorkee, and now she is working in Microsoft. So that interview was very inspiring for me, and then I decided that no, this is such a huge scope, like even for students who weren't able to secure a good rank in JEE, this is a golden opportunity. So main usi time se matlab BCA का फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ और उसी टाइम से मुझे मतलब मन कर लिया था कि IMSET तो क्रैक करना ही है और अच्छा रैंक करना है और टॉप कॉलेज में जाना है, क्योंकि पहले मतलब मेरा उतना क्या बोलते हैं अच्छा नहीं हुआ था, पढ़ाई अच्छा था लेकिन वो JEE क्रैक नहीं हुआ था, इसलिए अपॉर्चुनिटी मतलब आई कुडेंट जस्ट गिव अवे दिस अपॉर्चुनिटी ना। सो मैं Impetus Gurukul से जोड़ गया, फिर आई ज्वाइंट Impetus Gurukul ऑनलाइन, एंड फ्रॉम देयर the very first day I started to really love the way Sharad sir used to teach us, like starting from the very basics and then gradually developing up to the advanced problems. So wo jaise sir kehte the ki foundation bahut important hai, the stronger your foundation is the more you can go upwards, and usi sir ka lectures sunte the. Fir sir jaise bolte the ki notes bana lo, usko revise karo, wo जैसे एवरीथिंग सर सेड आई यूज्ड टू डू दैट, फॉलो दैट, एंड देन या आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई वाज गोइंग इन अ गुड पाथ। सो अभी मैं इट्स नॉट लाइक आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट, आई यूज्ड टू स्टडी ओनली 4 hours मैक्सिमम, बट देयर वाज वेरी लेस डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग दोस 4 hours, एंड अदर टाइम आई यूज्ड टू डू एक्सरसाइज मे बी। And I would say to all of you students that exercise is very important as much as studies, क्योंकि वो mental health को boost करता है, physical health तो है ही। तो anyway that was my routine, going to the gym, exercising, and then studying, coming back, sometimes listening to songs. So ऐसा नहीं कि हर time पढ़ना ही है, अपने hobbies को भी time देना है। तो ऐसे करते करते फिर 2022 का IMSET paper आ गया, फिर दिया, अच्छा rank आया। बस कुछ बातें अगर आपने बहुत ध्यान से सुनी हो, एक तो JEE का एग्जाम दिया था, पर JEE में 3 सब्जेक्ट होते हैं, PCM कई बार नहीं निकल पाता, और JEE बाई चांस नहीं निकलता तो JEE के बाद ड्रॉप लेने से कई गुना अच्छा है कि हम ये NIT एक लूप लाइन है, पर ये बहुत अच्छी लाइन है। दूसरी बात इसने बहुत इंपॉर्टेंट बोली, एवरीडे 4 आवर देता था, पर आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए कि एवरीडे 4 आवर देता था पर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, नॉट फॉर लास्ट ईयर। आप कब जागते हो उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपके पास 1 साल बचा है तो आपको 8 घंटे पढ़ना है, आपके पास 2 साल है तो आप 6 घंटे 5 घंटे भी पढ़ोगे चलेगा, 3 साल है तो आप 4 घंटे पढ़ोगे तो भी चलेगा। वही चीज की और मैं हर बच्चे को बोलता हूं, फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ से मेंटल हेल्थ डेवलप होती है, उससे ही आपका डेवलपमेंट होता है। इसको एक आदत है एक्सरसाइज करने की, घूमने की, ट्रैकिंग की, ऐसे बहुत सारे शौक हैं, और मैं चाहता भी हूं कि आगे जाके शौक पूरे भी करे, पर साथ में पढ़ाई को बहुत ही ईमानदारी से, मतलब 4 घंटे मतलब फिर 4 घंटे इसने बकायदा दिए, फर्स्ट ईयर से पढ़ाई चालू की और उसी का ये रिजल्ट है। तो एक चीज और बताओ, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देखिए, जैसे आपने बोला नुपुर शुक्ला को सुना। हाँ। ये मैं इंटरव्यू क्यों लेता हूँ, इस इंटरव्यू का सबसे बड़ा पर्पज होता है कि कौन बच्चा किससे कनेक्ट हो जाए,
आपने नुपुर को सुना और उसके बाद आप उससे कनेक्ट हुए और तुरंत आपने, क्योंकि नुपुर इंपिटस की स्टूडेंट थी, फर्स्ट ईयर से पढ़ना चालू कर दिया, तो वैसे ही हो सकता आपको देख के या बाकी बच्चों को देख के कोई ना कोई कनेक्ट होता, तो आपका एकदम प्रॉपर क्या मैसेज होगा आप स्पेशली जूनियर्स को, क्योंकि एक तो जूनियर बहुत कंफ्यूज होते हैं, भटकते रहते हैं, कहीं इसको फॉलो कर रहे हैं कहीं उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको स्पेशली क्या मैसेज होगा? सो माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू एस्पायरेंट्स वुड बी दैट स्टडी रेगुलरली, बी कंसिस्टेंट एज मच एज यू कैन, और enjoy the journey most of all, because that is what's most important. You'll definitely get at the position you are dreaming of today, but focusing on the journey and enjoying the journey is way more important. So live in your present, अच्छे से पढ़े करो, passionately पढ़े करो. देखिए सबसे important चीज क्या बोला कि आप अच्छे से पढ़ो, enjoy करो. मैं भी यही बोलूंगा कि आप जिस चीज में enjoy करते हैं उसका result अच्छा होता है. Enjoy का मतलब आप पहले समझ लीजिए क्या होता है, आप जो काम कर रहे हैं उससे अंदर से खुशी मिले. जैसे 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो खुशी मिले, ये मॉर्निंग वॉक कर रहे जा रहा है तो खुशी मिले, यार ये जो भी काम करो आप खुली आंखों से करो, देख के समझ के करो, तो आप बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करो, खुश रहो और ऐसे ही अच्छी रैंक अचीव करो और ऐसे ही मेरे साथ सेशन दो. तो चलो, वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सर.